आज मैं आपसे बात करूंगी कि आप अपने बालों को लंबा कैसे कर सकते हैं। किसी भी वजह से आपको हेयर लॉस हुआ था, आपकी डेंसिटी हिट हुई है, उससे कैसे रिवाइव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे, घने, ठीक ठाक वाले, हेल्दी हो जाए ना, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए। वैसे मैंने अब तक जो भी रेमेडीज़ शेयर की हैं वो बहुत ही यूज़फुल हैं, इसमें कोई शक नहीं। नीचे आप कमेंट पढ़ सकते हैं कि मेरी फैमिली कितनी खुश है। लेकिन अगर एक वीडियो पर, एक रेमेडी पर यकीन करें और स्टार्ट करें, अगर आज मेरी वीडियो आप ये देख रहे हैं ना, तो बस अभी से स्टार्ट कीजिए, जैसा बताती हूँ वैसे फॉलो कीजिए। 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपके बालों के तमाम प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, आपकी लेंथ इंक्रीज होगी जो लंबे अरसे से रुकी हुई है, फ्रंट से या सर के मिडल से आपके बाल गायब हैं तो वो भी घने लंबे होना स्टार्ट हो जाएंगे। आई गारंटेड एंड प्रॉमिस यू। पहले ठीक से समझिए और फिर इसका इस्तेमाल स्टार्ट कर दीजिए। इसे हम सीरम भी कह सकते हैं, आपके बालों के लिए पावरफुल सीरम जो है ना, वो भी आप इसे कह सकते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे हम लेंगे 1/2 कप कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल इसको बोलते हैं, और आपकी जबान में से क्या कहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बताना है। अच्छा, ये आपकी बालों की ग्रोथ के लिए इतना पावरफुल इंग्रेडिएंट है ना कि आप सोच नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप कैस्टर ऑयल। नेक्स्ट इसमें ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून 4 चम्मच कलौंजी का तेल यानी ब्लैक सीड ऑयल। ये आपके बालों को ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग करता है, जड़ों को मजबूत बनाता है, बालों को अगेन से ग्रो करता है, बल्कि आपके बालों के कलर को भी मेंटेन करता है। थर्ड इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें ऐड करूंगी वो है 4 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। आपने इसमें से कोई भी स्किप नहीं करना, कोई अल्टरनेट यूज नहीं करना। तीनों ऑयल्स को मैंने इस तरह से मिक्स एंड मैच किया है कि आपके बालों के हर प्रॉब्लम को सोल्यूट करेगी। जी हाँ, आपने ऐसा नहीं करना कि आमंड ऑयल इसमें यूज करना है किसी भी चीज का सब्स्टिट्यूट। आपने ऐसे ही एज इट इज इसको रेडी करना है और बनाकर आप इसे 1 साल तक स्टोर भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। डोंट वरी, कलौंजी की वजह से हुआ है। आपने इसे लगाना कैसे है, आपने इस सीरम को बालों की जड़ों में लगाना है। जड़ों में लगाने के बाद अच्छे से मसाज करना है, नेल्स की मदद से आपने मसाज करना है ताकि जरा लगे आपके स्कैल्प को कि कुछ एक्सफोलिएट हुआ है। आपने इसे नरम नरम मसाज नहीं करना, थोड़ा सा हार्ड मसाज करना है, और इस ऑयल को अपने स्कैल्प में जज़ब होने देना है। उसके बाद आपने सारी रात बालों में लगा रहने देना है, और सुबह आपने हेड वॉश करना है। हेड वॉश करने के लिए कोशिश किया करें कि कोई भी केमिकल शैम्पू यूज मत किया करें। ऑर्गेनिक हर्बल शैम्पू जो आपका फेवरेट है, मैंने आपको बनाना सिखाया था, वो आप इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा है। नीचे आप जब कमेंट देखेंगे ना, तो मेरे फैमिली मेरे शैम्पू के फैन है। अगर आपको अगेन से वो वीडियो चाहिए, आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं अगेन से आपको लिंक सेंड कर दूंगी। इस सीरम के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, ये भी बनाकर इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। 1 हफ्ते अगर आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, देन बस ना पूछे, आपको आपके बालों से प्यार हो जाएगा। रेमेडी आपको कैसी लगी ये भी आपने मुझे हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपने इस चैनल का भी।